हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं आपका फ्रेंड जीएस राय। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो टेस्ट थर्ड है, हरियाणा जो भी लोग हरियाणा के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये तीसरा टेस्ट है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट वन और टेस्ट टू देखा और उनको काफ़ी पसंद आया, और मुझे काफ़ी बच्चों के फ़ोन आते हैं, डेली फ़ोन आते हैं 10 से 15 बच्चों के कि सर टेस्ट सीरीज़ की फ़ीस क्या है, सर टेस्ट सीरीज़ की फ़ीस क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहता हूँ कि आपको टेस्ट सीरीज़ परचेज करने की ज़रूरत क्या है, जब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेली, आपको अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको डेली टेस्ट सीरीज की एक वीडियो प्रोवाइड कराऊं, तो मैं डेली प्रोवाइड कराऊंगा। मुझे पहले बच्चों ने कहा था कि सर 2 दिन बाद एक टेस्ट ले लिया कीजिए, तो मैं यही करता हूँ कि 2 दिन बाद आपको एक टेस्ट दे देता हूँ, 2 दिन बाद आपको टेस्ट देता हूँ। फिर भी मुझे काफ़ी बच्चों के फोन आते हैं कि सर हमें टेस्ट सीरीज परचेज करनी है। तो फ्रेंड्स, मैं कोई टेस्ट सीरीज सेल नहीं कर रहा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। बस इतना कहता हूँ कि अगर आप लोग मुझे सच में फीस देना चाहते हैं, कुछ फीस पे करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए। शेयर करने से ये हो जाता है कि जो बच्चा टेस्ट सीरीज नहीं परचेज कर पाता, क्योंकि आपको पता है मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी महंगी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और वो आप लोगों से कुछ नहीं है, क्वेश्चन सारे यही होते हैं जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। बस यही क्वेश्चन वहाँ पर अपना टैग लगा कर वो क्या कर देते हैं, उसी उसी के 10,000 रुपये ले लेंगे आपसे, उसी के 18,000 ले लेंगे टेस्ट सीरीज के। तो इतना पैसा मार्केट वाले आपसे लूट रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ लूटने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं सिर्फ आपको यहाँ पढ़ाने के लिए बैठा हूँ, और आपको यहाँ सिर्फ गाइड करने के लिए बैठा हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप मुझसे पूछ लिया कीजिए, और इसका कोई जो मतलब चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और मुझे बताइए कि वीडियो कैसी लगी, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर कोई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, और जिन बच्चों ने अभी तक टेस्ट वन और टेस्ट टू नहीं दिया, वो जरूर टेस्ट वन और टेस्ट टू देख लीजिए, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो लोग हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यूपीएससी नाम से एक और टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, जिसके अंदर कि हरियाणा का पोर्शन तो इसी टेस्ट सीरीज में से कवर कीजिए हरियाणा सिविल सर्विसेज वाले, और यूपीएससी के में से दूसरा पोर्शन कवर कीजिए जनरल स्टडीज का, जो पूरा कंप्लीट जनरल स्टडीज होता है, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें यूपीएससी के टारगेट सीरीज से कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन, पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर निम्न में से कौन सी नदी बहती है, गंगा नदी, सरस्वती नदी, घग्गर नदी, यमुना नदी। तो आप लोग इसका आंसर अपने माइंड में सोच लीजिए, और जो इसका राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, या फिर आप वीडियो जहाँ पर मैं क्वेश्चन खत्म करता हूँ वहाँ पर वीडियो पॉज कर ले कीजिए कि इन चारों में से राइट आंसर क्या है, तो ये आपके लिए बेहतर है। इसका राइट आंसर वो है डी, यमुना नदी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, हरियाणा प्रदेश भारत के उत्तर पश्चिम में 27° 39' से 30° 55' उत्तर अक्षांश पर स्थित है, बताइए कि वह कितने पूर्व रेखा रेखांश के बीच स्थित है। तो आपको हरियाणा की जो भौगोलिक स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जिसका आंसर, चार ऑप्शन है, अपना आंसर बताइए आप लोग मुझे, और जो इसका राइट आंसर वो है ए, 74° 28' से 77° 36' तक। तो ये इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। तो आप लोग नीचे इस वीडियो में 30 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, वो विद इन 5 to 10 मिनट्स कवर हो जाएंगे अभी, और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो रहना जाए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट में आप मुझे ये जरूर बताइए कि आपका स्कोर कितना है, और इस वीडियो को थोड़ा एचडी मोड पे कर लीजिए ताकि क्वेश्चन जो अच्छे से दीजिए, अगर मैक्सिमम 480p है तो 480p कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो अच्छे से क्लियर दिखे, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन धुंधला ना दिखे आपको। हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश स्थित है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो जो आपका राइट आंसर वो बताइए, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है हरियाणा के उत्तर में, ये तो आप मैप देख के भी नीचे कमेंट कर सकते हैं। थर्ड का आंसर नीचे कमेंट कीजिए, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। हरियाणा के पश्चिम में निम्न से कौन सा प्रदेश स्थित है, चलिए चार ऑप्शन है, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो जो इसका राइट आंसर है वो है पंजाब, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, तो बताइए फ्रेंड्स हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 44,212। निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सा क्षेत्र की दृष्टि से हरियाणा से सबसे बड़ा नहीं है, निम्नलिखित प्रदेश में से कौन सा प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा से बड़ा नहीं है, तो बताइए कौन सा, मेघालय, बिहार, पंजाब या हिमाचल प्रदेश। तो वो कौन सा नहीं है बड़ा, तो कोई एक ही है जो बड़ा नहीं है, तो बताइए नीचे कमेंट कीजिए अपना आंसर, तो वो है मेघालय। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मैप ध्यान से देखा इंडिया को, तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हरियाणा की आबादी निम्नलिखित में से किस प्रदेश से अधिक है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, सभी से। तो हरियाणा की आबादी इन सबसे कितनी ज़्यादा है, किससे कम है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे बता दीजिए, और जिसका राइट आंसर वो देख लीजिए कि सभी से ज़्यादा है, अरुणाचल प्रदेश से हमारी आबादी ज़्यादा है, सिक्किम और नागालैंड से भी ज़्यादा है। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, 700 से 900 फीट, 750 से 800 फीट, 880 फीट, 800 से 1000 फीट, या 900 से 1100 फीट। जो आपका राइट आंसर है वो आप बताइए, या फिर अपने माइंड में सोच दीजिए, मैं राइट आंसर भी आपको दे देता हूँ। राइट आंसर है 700 से 900 फीट, और नीचे आपके जो आंसर्स के नीचे जो आपके मार्क्स, जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो कैसे लगी मुझे जरूर बताइए, उसको शेयर कीजिए ताकि फायदा हो सके बच्चों का।
हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित है? उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी या फिर दक्षिण पूर्वी? तो जो इसका राइट आंसर वो है उत्तर पूर्वी। एंड फ्रेंड्स वन मोर थिंग कि टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट क्यों है? कई बच्चों को शायद इस चीज़ के बारे में नहीं पता, मैं बता देता हूँ। चलिए ये मैंने बीच में इसलिए बताया था कि जो बच्चे सीरियस कैंडिडेट है वो यहाँ तक पहुंचेगा, दूसरा कैंडिडेट तो पहले ही छोड़ जाएगा कि मुझे नहीं देखनी। तो फ्रेंड्स टेस्ट जब आप लोग एग्जाम के अंदर बैठते हैं तो एग्जाम आपका एक टेस्ट होता है, तो टेस्ट आपको देते रहना चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना एग्जाम के अंदर आपके जो पास होने के चांसेस है, क्लियर करने के चांसेस वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि टेस्ट में होता है। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं ठीक है, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणी स्थित है, तो आपको आंसर पता है उत्तर पूर्वी, लेकिन जब चार ऑप्शन हैं तब शायद आप कन्फ्यूज ना हो जाए, इसलिए आपको टेस्ट सीरीज करनी चाहिए। शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? घग्गर, मारकंडा, टांगरी या फिर सभी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं? तो बिल्कुल सही आंसर है सभी। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? शिवालिक का पहाड़ी भाग, रेतीला भाग, मैदानी भाग या अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदानी भाग? तो अपना आंसर बताइए, इसका जो है मैदानी भाग इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। प्रसिद्ध बीबीपुर व नजफगढ़ नामक झीलें हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित हैं? मैदानी क्षेत्र, शिवालिक का पहाड़ी क्षेत्र, रेतीला क्षेत्र, अरावली की पहाड़ियों का शुष्क भाग? तो जो इसका आंसर है वो आप लोग मुझे बताइए, और जिसका राइट आंसर वो है मैदानी क्षेत्र। हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? 40 सेंटीमीटर, 45, 42 सेंटीमीटर या 55 सेंटीमीटर? तो हरियाणा के बारे में थोड़ी सी अगर आपको नॉलेज है तो आपको उसका आंसर पता होगा, 45 सेंटीमीटर। और फ्रेंड्स कई लोगों बच्चों को लगता है कि सर ये इतने ईजी क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स हरियाणा के एग्जाम के अंदर ईजी क्वेश्चन भी आएंगे और टफ क्वेश्चन भी आएंगे। आप टेस्ट टेस्ट वन चलाकर देख लीजिए, टेस्ट टू देखिए, उसके अंदर आपको ईजी क्वेश्चन मिलेंगे और टफ क्वेश्चन भी मिलेंगे। हरियाणा के किस भाग में वर्षा अधिक होती है? दक्षिण पश्चिम भाग, उत्तर पश्चिम भाग, उत्तर पूर्वी भाग या फिर दक्षिण पूर्वी भाग? तो जो इसका राइट आंसर है वो है उत्तर पूर्वी भाग। प्रदेश के किस भाग में वर्षा कम होती है? उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग या फिर दक्षिणी पश्चिमी भाग? तो राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर है डी, दक्षिणी पश्चिमी भाग। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज पसंद आ रही है तो मुझे बता दीजिए। और फ्रेंड्स ये जो टेस्ट सीरीज है ये मैंने इससे पहले 120 लेक्चर्स कवर कर दिए हैं हरियाणा जीके के ऊपर, 120 लेक्चर। तो आप लोग वो लेक्चर देख सकते हैं, आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC की नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। 120 लेक्चर है हरियाणा के बारे में, आप लोग देख सकते हैं अच्छे से सारा डिस्क्राइब किया हुआ है। प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी, भूरे रंग की मिट्टी, पथरीली मिट्टी या फिर बुलई दोमट मिट्टी? तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है फ्रेंड्स, अब बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पथरीली मिट्टी। चलिए फ्रेंड्स जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांश किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पीले रंग की उपजाऊ मिट्टी, पथरीली, बुलई मिट्टी, दोमट मिट्टी या फिर रेतीली मिट्टी? तो जो इसका राइट आंसर वो है पीले रंग, भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी। आपको पता है कि हरियाणा की उपजाऊ, हरियाणा के अंदर उपजाऊ मिट्टी अवेलेबल है। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? रोहतक, यमुनानगर, सिरसा, भिवानी? तो अपना आंसर बताइए फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए कुछ सेकंड के लिए, और इसका राइट आंसर है सी, यमुनानगर। क्योंकि फ्रेंड्स मैं ज़्यादा टाइम, मतलब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप लोग 20 सेकंड हमें दिया कीजिए आंसर के लिए। फ्रेंड्स मैं 20 सेकंड वेट तो करता हूँ लेकिन फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी, तो इसलिए फ्रेंड्स फिर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि इतनी लंबी वीडियो सर नहीं देखी जाती हम लोगों से, हमारी आँखें दर्द करने लग जाती है या फिर XYZ कोई भी उनकी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं वीडियो थोड़ी छोटी बनाता हूँ। लेकिन अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि आपको कितनी तैयारी हो चुकी है, तो आप लोग क्या किया कीजिए, क्वेश्चन पढ़ा कीजिए, जैसे मैं क्वेश्चन बताता हूँ वहाँ पर क्वेश्चन को आप रोक लीजिए कीजिए, उसके बाद खुद सोचा कीजिए इसका आंसर क्या है, फिर आंसर सुन लिया कीजिए। प्रदेश की कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है? साइबी नदी, टांगरी, कृष्णावती नदी, दोहन नदी? चार ऑप्शन, अपना आंसर नीचे बताइए, और जो राइट आंसर वो है टांगरी नदी। हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है? गुरुग्राम नहर, भिवानी नहर, भाखड़ा नहर या पश्चिम यमुना नहर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। प्रदेश की कौन सी नहर जगाधरी पोंटा सड़क पर स्थित ताजेवाला नामक स्थान से यमुना नदी से निकलती है? भाखड़ा नहर, पश्चिमी पूर्वी यमुना नहर, जवाहरलाल नेहरू नेहरू नहर या फिर कोई नहीं? तो जिसका राइट आंसर वो है पश्चिमी व पूर्वी यमुना नहर। हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई है? भाखड़ा, गुड़गांव, भिवानी, यमुनानगर? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है और ये रिपीट क्वेश्चन होता है, तो इसका राइट आंसर है भाखड़ा नहर से, तो याद रखिए ये भूलना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है? दमदमा, कोटला, खलीलपुर या सभी? तो आप बताइए, तो इसका जो राइट आंसर वो है सभी, क्योंकि किसी को दो का पता है तो फिर सभी ही मानी जाएंगी। प्रदेश के फर्रुख खंड में निम्नलिखित में से कौन सी झील स्थित है? सुल्तानपुर, खलीलपुर, दमदमा या फिर कोटला? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूँ या फिर इसका आंसर मैं आपको बता दूँ? चलिए फ्रेंड्स जिन बच्चों को चाहिए कि आप आंसर कमेंट कीजिए तो आप लोग आंसर कमेंट कीजिए, राइट आंसर है ए, सुल्तानपुर झील।
प्रसिद्ध बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? गुड़गांव, भिवानी, फरीदाबाद, रोहतक। तो जो इसका राइट आंसर वो है फरीदाबाद। हरियाणा की कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? भाखड़ा, पूर्वी यमुना, गुड़गांव, या इनमें से कोई नहर नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है गुड़गांव नहर। तो याद रखिए ओखला नामक नाम स्थान से ये निकाली गई। सीधा आ सकता है गुड़गांव नहर हरियाणा की कौन सी दिल्ली से कौन सी जगह से निकाली गई है? ओखला से। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके लिए आपके कोई फीस नहीं चार्ज कर रहे, क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर इसके लिए कितनी फीस है। तो कोई फीस नहीं है फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक किया कीजिए। शेयर करने से क्या फ्रेंड्स दूसरे बच्चों तक पहुंच जाएगी जो मतलब ये टेस्ट सीरीज नहीं परचेज कर पा रहे थे। तो फ्रेंड्स उसके लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आपको भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तो आप लोग ये दूसरों के साथ शेयर कर दिया कीजिए, इससे उनका भी फायदा हो जाएगा। भाखड़ा नहर द्वारा प्रदेश के किस जिले में सिंचाई कार्य किया जाता है? सिरसा, हिसार, रोहतक, या ये सभी? तो आप बताइए भाखड़ा नहर। तो इन सभी जगह पर भाखड़ा नहर से सिंचाई की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू नहर द्वारा प्रदेश के किस जिले में सिंचाई की जाती है? सिरसा जिले में, रोहतक, जींद, या फिर महेंद्रगढ़ जिले में? तो इसका जो राइट आंसर वो है महेंद्रगढ़ जिले में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। प्रदेश में भिवानी नहर किस नहर से निकाली गई है? भाखड़ा, गुड़गांव, पश्चिम यमुना नहर, या फिर पूर्वी यमुना नहर से? तो इसका राइट आंसर वो है भाखड़ा नहर से। हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया? 1940, 1950, 1974, या फिर 1947? तो जो राइट आंसर वो है 1947। तो फ्रेंड्स ये थे 30 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट 3 के। आप लोग नीचे कमेंट कीजिए कि आपको टेस्ट 4 चाहिए या फिर नहीं चाहिए, मुझे बता दीजिए। मैं आपके लिए फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्द आपके लिए टेस्ट 4 लेकर आऊँगा, अगर आप लोग चाहते हैं नहीं, तो फिर मैं ये टेस्ट सीरीज यहीं पर बंद कर दूँगा। तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके लिए कोई फीस नहीं फ्रेंड्स, मैं बार बार कह रहा हूँ। और कोई आपसे फ़ोन करके ये ना कहे कि हम स्टडी मास्टर से बोल रहे हैं और इतनी फीस है और आपको कुछ मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी ना बेच दे, तो इस बात का आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, मेरा नाम है जीएस राय। याद रखिए वीडियो कैसी लगी मुझे बता दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।